नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम रविरंजन कुमार एआरजी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। देखिए, आज मैं बात करूँगा बिहार इतना पीछे क्यों है। देखिए, बिहार का पीछे होने का रीज़न ये है कि यहाँ का जनता का जागरूक ही नहीं है। यहाँ जनता जागरूक ही नहीं है कंपनी खड़ा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या मतलब कोई भी चीज़। यहाँ के जनता के लोग समझते कि मतलब हम एक तरह से जॉब कर लेंगे, सरकारी जॉब पा लिए और 20-25 हज़ार पेमेंट आने लगा, बस वही, और रिटायर हुए तो माला माल हो जाएंगे, लगभग 1 करोड़ में देता है मतलब हर कोई, 1 करोड़ से ज़्यादा देता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ हो गया। तो इसी के कारण यहाँ लोग कंपनी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग को मैन पावर नहीं है ज़्यादा, और ना ही यहाँ के लोग उतना एजुकेटेड होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होते, बहुत लोग एजुकेटेड भी हैं और बहुत लोग अपना देश का नाम, अपना बिहार का नाम रोशन भी कर रहे हैं अपने एजुकेटिव से। लेकिन कुछ लोग की बात कर रहे हैं, जैसे मजदूरों लोग, मतलब बहुत से लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप काम क्यों करते हैं, ये आप अपने अंदर से झांक कर लें, अपना कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? आप जो देख रहे हैं, किसी मोबाइल से ही देख रहे होंगे मुझे, तो आपके पास तो ज़रूर मोबाइल होगा। तो देखिए, मोबाइल से ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा खासा एक एवरेज सैलरी पा सकते हैं। सैलरी छोड़िए ना, आप यहाँ से एक अपना कंपनी खड़ा कर सकते हैं। कैसे वो, अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हम उस पर भी बनाए कि कैसे यहाँ से बिजनेस करके कंपनी को खड़ा कर सकते हैं, तो हम जरूर उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले कि हम जाएं, एक बात कहते हैं कि काम मत कीजिए, मतलब दूसरे को चापलूसी मत कीजिए, मतलब वो हमारे कहने का मतलब है। देखिए, अपना अगर कुछ कीजिए तो आगे चल का आपको ही फायदा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं, मतलब काम करेंगे नहीं तो अच्छे नहीं होगा। आप देखिए, अपना बिजनेस तो बिल्ड करने का कोशिश कीजिए, आप वही नहीं करते हैं। यही बड़ा रीज़न है कि बिहार आगे नहीं है। बस जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो चला रहा है उसी पर चल रहे हैं, अपना तो कोई सोच ही नहीं है कि हम क्या करें। अपना तो जोड़ करके देखिए, आप तो कर सकते हैं, आप वो जुनून है, आप जरूर करिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम मोबाइल से कैसे कंपनी खड़ा कर सकते हैं, कैसे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, तो हमें कमेंट करना जरूर, अपना हक समझिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।